नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, उसके 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप उसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जा सकते हैं। हमारे आज का टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 4। पार्ट 3 यानी कि 1, 2, 3 हो चुके हैं, आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। और इस चीज़ को यानी कि इस सरफेस एरिया वॉल्यूम की नॉलेज को हम और आगे बढ़ाएंगे आज के इस सत्र में। एंड वी हैव जॉइन बाय आर एक्सपर्ट्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली मीट हर। आप हैं मिस बीना प्रकाश, आप सीनियर PGT मैथमेटिक्स हैं कैंपियन स्कूल भोपाल से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू रेणु जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लर्नर्स। और हम बहुत जल्द ये सत्र शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों उसके साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी सूचना या बातें आपके साथ हम साझा करें। इन केस यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू नो मोर अबाउट सरफेस एरियाज एंड इट्स वॉल्यूम, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल, और आप अपना फीडबैक और अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं dth.class9@cit.nic.in पर। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल्स करें, अपनी बातें हम तक पहुँचाएं, फ़ोन के द्वारा भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो जब तक आप हमसे जुड़ते हैं हमारे लाइव इंटरेक्शन में, बीना मैम हम आपके पास आएंगे और इस सत्र की शुरुआत हम करना चाहेंगे कि बहुत ही ब्रीफ रिकैप से मैम क्या कुछ बातें हैं जो आप हमारे सभी लर्नर्स के साथ शेयर करेंगी, जो उन्हें अपने दिमाग में रखना है और जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। मैम ये चैप्टर से फर्स्ट पार्ट से मैंने ये कहा, ये चैप्टर इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। आपको दो ऑब्जेक्ट्स है इस चैप्टर में, दैट इज कोन एंड स्फीयर। इन दोनों का हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखा है, और दोनों वॉल्यूम फॉर्म दोनों जो एक्सप्रेशंस है वो एक फॉर्मूला है। आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद करने का एक ही तरीका है, यू ट्राई टू टेक अप मैक्सिमम क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना आपका फॉर्मूला थर हो जाएगा। अब आपने पिछले बार में देखा है कि फर्स्ट 2 क्लासेस में हमने सरफेस एरियाज देखा था दोनों ऑब्जेक्ट्स के, फिर लास्ट 3rd पार्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन देखा था। अब इनमें भी आपने देखा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, बट वो ट्विस्ट कब होता है, दैट इज उसमें जो दिया हुआ चीज़ें हैं उसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो अब वो इन्फॉर्मेशन से हमें जो चाहिए, जो फॉर्मूला में जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे ले आएंगे, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। इस क्लास में विल वाइंड अप विद द सब टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें भी आप देखेंगे कि एक ही फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, आपको दिख रहा है 4/3πr³। क्यों, दैट्स अ फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4/3πr³। आर मीन्स रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, स्फीयर मीन्स एक बॉल शेप का, ठीक है। नाउ अगर उसको हमने कट कर दिया हाफ, आधा ले लिया, तो वो आधा हो गया ना, आधा स्फीयर, उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, दैट इज 2/3πr³। तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब इसमें आप लोग ने देखा कि फॉर्मूला देखो एक ही है। अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे हमारा क्वेश्चंस में फॉर्मूला अलग अलग हम यूज करके हम इस पे लेकर आते हैं। लाइक ये तो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। अब 11.2 सेंटीमीटर का वॉल्यूम वाला स्फीयर क्या है, इट इज जस्ट आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और अप्लाई करने के बाद आप इस सब दैट इज फॉर्मूला में हमने आर का वैल्यू लिखा है 11.2 एंड 11.2। अब यहाँ पे देखो मैंने ये एक इन्फॉर्मेशन भी पहले से दिया था कि हमारा जो पाई है, एक पाई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय है वॉल्यूम सरफेस एरिया, सब में पाई रहता है। अब ये पाई जो है इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अब फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी एट टाइम्स टेक 22/7 या तो 3.14 लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज, दोनों में से एक यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे 22/7 लिखा, कब लेते हैं, किसका पर्पज क्या है, कि ये जो 7 है इज इट डिवाइडिंग एनी ऑफ दिस नंबर, वो अगर दिख रहा है डिवाइड करता है देन यू गो फॉर दैट वैल्यू 22/7। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा है कि ये 7 से कोई वैल्यू नहीं डिविजिबल है देन इन दैट केस आप उसको पाई में छोड़ सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लासेस में किया है।
तब जैसे दिख रहा है सेवन, सेवन कैंसल्स दिस 11.2, वन टाइम सेवन रिमाइंडर फोर दैट इज सिक्स, तो 1.6, तो एक कैंसिल तो हो गया, तो एक छोटा नंबर आ गया। द रेस्ट इज टू बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि देखिए आप फ्री कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते, किसी को भी कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो आप कंटिन्यू कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन, दैट इज सारे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके थ्री। सो दिस इज नाउ अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन, सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, तो आपको बहुत आराम से इसका कैलकुलेशन करना है, क्योंकि खूब सारे नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके फिर फर्दर डिविजन भी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो इसका इस क्वेश्चन में, थ्रू दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग इज, ये क्वेश्चन प्योरली कंप्यूटेशन, जहां फॉर्मूला लिख के हमने जस्ट सप्लाई करके वैल्यू डालना है, तो आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। अगर मार्क्स, ये कैलकुलेशन करेक्ट नहीं होता तो मार्क्स यहाँ कट जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर्स भी आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम टाइप, दैट इज हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है। हेमिस्फेरिकल बॉल मतलब उसका आधा हो जाएगा, यहाँ रेडियस दिया है 3.5, 3.5 दिया है रेडियस, तो अगेन 3.5 आप अगर देखेंगे ध्यान से तो 7, मैंने फिर से 22/7 यूज किया, बिकॉज वी नो दैट 7 डिवाइड्स दिस एंड यू गेट अ 0.5। अब इसमें भी कैलकुलेशन, आप लोगों को कैलकुलेशन का भी पैटर्न समझ में आना चाहिए, ताकि यू कैन सेव योर टाइम। अब देखिए 3 विल नॉट डिवाइड एनी ऑफ दिस नंबर, दैट मीन्स आपको फिर से मल्टीप्लाई ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में भी आपको किस तरह से स्मार्टली आपको काम करना है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन परफेक्ट रहे और उसके अलावा आपका करेक्ट भी रहे। तो देखिए आप 2 और 0.5 विल गिव यू 1, 2 5 जा 10, तो 0.15 से 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों नंबर हट गए एंड वैनिश हो गए। अब बचा हमारे पास सिर्फ 22, 3.5 एंड 3.5 का है। अब ये 3.5 को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज एक्चुअली, दिस इज 35/10, फाइन, ये भी 35/10 है ये नंबर, दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू द कैलकुलेशन पार्ट। अब ये आप देखेंगे 35 एंड 10 कैंसिल हो जाता है, ये 5, this will be, this is 7 times and this will be 2 times, this is again 5 is 7 times and this is 2 times। अब आपको दिख रहा है ये 2 and 2 का calculations, देखिए 2 and 2 देखिए ये दिख रहा है, this will come out to be 11। so अब बचा के अपने पास calculation है 7 7 11 का, sorry I'm sorry, यहाँ से एक 2 है, यहाँ एक 2 already cut cancel हो चुका है, 2 has already been taken up, I've already taken up this with this 5, so you have 1 2 is left here, 1, 2 is left here. तो ये 11, 7, 7 and divided by 3. तो आपको 7, 11, 7 सा 77 भी हो गया and multiplied by 3 upon 3, multiplied by 7 upon 3 करना easy है. So again, this is a question based on computation. ठीक है? Now अब देखिए next variation, देखिए question में. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. इसका diameter है 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 9 point? This is density we have. This is density. Again, this is 3.5 पिछला. This is density. Now देखिए question, देखिए density पे आ गए हम. Density means we have a very different thing in it. अब आप कब ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, जब आपके पास इस चीज का इंफॉर्मेशन है, दैट इज डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है बच्चों, तो आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए वेरिएशन, देखिए हमने फॉर्मूला किसका बताया था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अब वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से कहाँ चले गए हम, डेंसिटी यूज करके मास निकालना है, दैट इज मास दिया हुआ है, सो जस्ट टेक अप द मास ऑफ इट, मास क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज ऑलरेडी दियर, वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, बॉल का वॉल्यूम इज, यू हैव टू टेक अप दिस, दिस इज एक्चुअली इसमें लिखा गया 2.1 हो जाएगा एंड 2.1 एंड 2.1, यू कैन ऑलवेज सी दैट दिस गेट्स कैंसिल 0.3 एंड फर्दर दिस इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल एंड फर्दर दिस कम्स आउट टू बी 1.77 kg अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज इट इज इन ग्राम्स, जो वैल्यू दिया है इन ग्राम्स में है, मैंने उसको kg में कन्वर्ट कर दिया। सो देखिए क्वेश्चन में वेरिएशन, देखिए पहले आपको वॉल्यूम निकालने का था, वॉल्यूम से अब डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट, ये क्वेश्चन, ये पार्ट अगर याद रहेगा बच्चों तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू गेट अ वेरिएशन इन द क्वेश्चन।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट विच इज 1 सेंटीमीटर थिक. हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है. द इनर रेडियस ऑफ इट इज 1 मीटर, देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको एक आयरन शीट से बनाया है, आयरन शीट जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर हुआ है. तो थिकनेस 1 सेंटीमीटर का यूसेज कहाँ है? अब आप देखिए फिगर, ये देखिए फिगर. अब ये फिगर आपको क्लियरली बता पा रहा है कि आप देखिए ट्राई करके कि ये एक हेमिस्फेरिकल स्फीयर है और ये जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली द आयरन मटेरियल जो शीट यूज किया है, विच उसके जिसका थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब वो हेमिस्फीयर का रेडियस, दैट इज इनर रेडियस. रेडियस किसकी बात कर रहे हैं? इनर रेडियस, अंदर वाला पार्ट. बाकी दिस इज ऑल सॉलिड, इट्स अ सॉलिड थिंग. तो अंदर जो है हॉलो है, यू कैन कीप समथिंग, खाली है, उसके अंदर रख, बाउल बोले यू हैव स्पेस, उसके अंदर एक सामान रखने का जगह है. तो इनर रेडियस जो दिया है वो है 1 मीटर. 1 मीटर, दैट इज कैपिटल आर इज 1 मीटर एंड 1 मीटर, और ये थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर. सी द चेंज इन द यूनिट, एक यूनिट मीटर में दिया है, एक यूनिट सेंटीमीटर में दिया है. तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि यूनिट्स दोनों सेम, सारी यूनिट्स उस क्वेश्चन में सेम होना चाहिए. तो इट्स इजी टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर, ये आपको देखना है. सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल आता है, और मीटर को सेंटीमीटर करेंगे यू जस्ट एड ऑन जीरोस. सो इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू कन्वर्ट इनटू स्मॉलर लोअर यूनिट. तो आपने कन्वर्ट कर दिया तो यू गेट 101 सेंटीमीटर. ठीक है, ये क्या हुआ? ये आउटर रेडियस हुआ. आउटर रेडियस मीन्स ये वाला पार्ट बाहर तक का, और इनर रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कैपिटल स्मॉल आर तो दिया ही है अपने पास, वन क्या बोलते हैं, इट इज दिया है 1 मीटर. दिस इज 1 मीटर, स्मॉल आर इज 1 मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज द थिकनेस. तो ये दोनों रेडिया हो गया. अब आप बताइए बॉल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बॉल का वॉल्यूम इज आउटर वॉल्यूम माइनस द इनर हेमिस्फीयर. ये क्लियर हुआ? आपने बाहर का जो स्पेस है, बाहर का जो वॉल्यूम है, उसके अंदर से एक छोटे एक और स्फीयर स्कूप आउट करके निकाल दिया. ये सोच लीजिए सॉलिड स्फीयर है दो, उसके अंदर से हमने एक सॉलिड स्फीयर निकाल दिया उसमें से, तो उसका वॉल्यूम तो हट गया. हट गया मीन्स क्या है? ऑपरेशन मैथमेटिक्स में क्या है? सब्ट्रैक्शन, इट इज माइनस. सो आपके पास फॉर्मूला क्या हुआ? 2/3 pi बिगर हेमिस्फीयर माइनस द स्मॉलर हेमिस्फीयर. तो ये 2/3 pi कॉमन है, इसलिए मैंने कॉमन ब्रैकेट में लिया. आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ना उसमें पुट करो वैल्यूज, 101 होल क्यूब माइनस 100 होल क्यूब. अब आपको करना क्या है? यू जस्ट हैव टू वर्कआउट विद द क्यूब ऑफ 101, 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, दैट इज 100 क्यूब से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है. तो फाइनली यू गेट द आंसर दिस. अब इसमें देखिए आपको, इसमें मैंने इसको इस वाले फॉर्म में वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड, सिंपली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लिया है. सो दिस मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज यूज टू मेक दिस बॉम. ठीक है, इज दिस अच्छी वेरिएशन क्वेश्चन के समझ में आ रहे हैं आपको? जी मैम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 कैन होल्ड. अब देखिए एक बाउल दिया है जिसका डायमीटर है 10.5. डायमीटर 10.5 तो रेडियस क्या होगा? उसका आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ इट. और इसका भी हाफ डेसिमल, मैंने कहा हमेशा बच्चों डेसिमल को अवॉइड करना. तो डेसिमल अवॉइड करने का एक ईजी तरीका यह है कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. दैट इज 105/20 हो जाएगा, ये इट विल बिकम 20. राइट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क? इट्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. कुछ नहीं करना है, इट्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. सो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट, अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन. देखिए 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 105/20, 3 बार लिखा क्योंकि क्यूब है. अब इसमें भी इसलिए लिखा, इसलिए एक्सपेंशन फॉर्म में. कैलकुलेशन बार बार मैं आप लोग को इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए. और ये 15/3 का भी कैलकुलेशन है, दिस इज इट्स कैंसल, यू गेट इट एज 5. ठीक है, तो ये 5 हो गया एंड 5 एंड 2
10 गेट्स कैंसल, इसमें से 12 आ जाए, 22 आ जाए, ये दैट इज दिस होल फुल नंबर गेट्स कैंसल्ड, ये सारे नंबर्स वैनिश हो जाएंगे. अब फाइनली बचा क्या आपके पास कैलकुलेशन में, 105 मल्टीप्लाइड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 400. तो ये एक नंबर है, बट यहाँ हमें करना क्या है कि आपको क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स चाहिए. ये एक दूसरा यूनिट आ गया. अब ये दूसरा यूनिट को कैसे हैंडल करेंगे हम, इसको हैंडल करने का तरीका है कि हमें क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर्स का रिलेशन मालूम होना चाहिए. ये भी आप तब कर पाएंगे बच्चों जब आपको इनका रिलेशन मालूम है. तो रिलेशन क्या है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 लीटर. तो देयरफॉर अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर होता तो ये कितना क्यूबिक सेंटीमीटर कितना लीटर होगा, दिस विल बी इन लीटर. आपको उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है अपॉन डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होता है 1 अपॉन 1000 लीटर, दैट इज व्हाट वी हैव. तो इसका कैलकुलेशन में जो भी सिंप्लीफाई होता है इट कम्स आउट टू बी 0.3, दैट इज थोड़ा सा पॉन, दैट इज 1/4 ऑफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है. तो ये बहुत बड़ा हेमिस्फेयर भी नहीं है, बहुत छोटा सा हेमिस्फेयर, छोटी सी कटोरी समझ लो उसको. तो छोटे से कटोरी में कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ सकता है, थोड़ा सा आएगा, एक पाव से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, दैट्स ऑल इट इज. ठीक है, ये आप हमेशा चेक भी कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट हमारे आंसर उसको टैली कर रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक करके देख लीजिए. ये 10.5 बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा विड्थ वाला कटोरी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन. हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए. अब इसमें रेडियस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें दिया क्या है, सरफेस एरिया दिया है. अब सरफेस एरिया से, सरफेस एरिया के फॉर्मूला में देखो क्या मिल रहा है अपने को, सरफेस एरिया इज 4πr² और उसका वैल्यू है 154. सो वॉट इज दिस एक्सप्रेशन गिविंग अस, देखिए इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको रेडियस का वैल्यू मिल रहा है. सो अब इसका भी कैलकुलेशन देखिए, 154 अपॉन 4 एंड अपॉन पाई मीन 7 अपॉन 22. अब देखिए 7 अपॉन 22 इज 154 डिवाइडिंग डिवाइडेड बाई 22, और 11 से कर सकते हैं क्या, देखिए 2 से तो कर ही रहे हैं अपन. नाउ इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 22 ऑल्सो, जस्ट चेक, लेट्स चेक इट, इट्स 2 से करेंगे, यू गेट 77. तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना, बहुत क्लियर कैलकुलेशन है. सो व्हाट इज दैट यू आर गेटिंग, कि फाइनली इट इज गेटिंग कैंसल एंड फाइनली यू गेट अ 7 हियर. सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन एज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 4. अब आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्क्वेयर ऑफ दिस, तो राइट साइड में भी क्या किसी का स्क्वेयर हो सकता है क्या, यस इट इज 4 को वी कैन स्प्लिट इट एज 2 एंड 2. सो देयरफॉर वी हैव द रेडियस एज 7 अपॉन 2. यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि वी हैव ओनली 4 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन मैम. ओके ओके, आई विल वाइंड अप लिटिल फास्टर. ठीक है, सो देयरफॉर नॉट इट इज इजी, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी 4 अपॉन 3 πr³. यू गॉट द वैल्यू ऑफ r, सो इट इज जस्ट अ कंप्यूटेशनल क्वेश्चन. फाइन, अब इसके आगे कंप्यूटेशनल क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वेश्चन विच इज अगेन सी, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस मच. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर. अब ये क्या है, आपको जो व्हाइट वॉश करने का रीजन, जो पूरा रीजन का व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना आया है, 4989 रुपीज 60 पैसे, एंड द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर मीटर. ये है क्वेश्चन एक्चुअली. तो आपके पास कितना ये इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, देखिए अब आप देखिए क्वेश्चन में वॉल्यूम वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, वॉल्यूम में हमें रेडियस चाहिए, रेडियस कहाँ से मिल सकता है, ये तो क्वेश्चन इज रेट बेस्ड क्वेश्चन. सो व्हाट इज दिस गिविंग अस, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो है इज एक्चुअली रेट मल्टीप्लाइड बाई टोटल सरफेस एरिया. सो ये सब चीजें आप लोगों को आना चाहिए कि हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन टू स्टार्ट द क्वेश्चन. तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ अपने पास, मल्टीप्लाइड बाई 20 द रेट, मल्टीप्लाइड बाई द हेमिस्फीयर सरफेस एरिया 2πr², और इस कैलकुलेशन से अगेन यू कैन सी द कैलकुलेशन, यू कैन फाइंड दैट द रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 6.3 मीटर्स. द वन द रेडियस इज देयर, वी हैव द एयर क्वांटिटी ऑफ एयर, दैट इज डायरेक्टली द वॉल्यूम ऑफ द
हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ दिस आर लेट्स अनदर क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर दैट्स रेशियो ऑफ द टू हेमिस्फीयर स्फीयर्स वॉल्यूम इज गिवन, दैट इज इट इज इन द रेशियो ऑफ 64:27। सो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स, इट्स 4/3π r1³ अपॉन 4/3π r2³। सो वॉट वी गेट फ्रॉम हियर कि अभी अपने को एक्चुअली दिस 4/3 गेट्स कैंसिल, 4/3π गेट्स कैंसिल, बचेगा क्या है r1/r3³। सो कैन यू एक्सप्रेस द राइट साइड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ क्यूब ऑफ सम नंबर्स, दैट इज वॉट यू आर बिजी। व्हेन यू सी दैट 64 इट इज एक्चुअली 4³, 27 इज 3³। सो येस इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो वी गेट द रेडियाइज इन द रेशियो एज 4/3, द रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स आर 4/3। नाउ व्हाट विल द सर्फेस एरिया बी, अब सर्फेस एरिया का फॉर्मूले में क्या आएगा अपना रेशियो, इट इज एक्चुअली 4π r1² एंड इट्स 4π r2². सो ऑब्वियसली इट इज जस्ट द रे स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई, तो डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें ज्यादा वेटेज नहीं रहता, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसको डायरेक्टली अप्लाई करके आना चाहिए बच्चों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव, अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने वापस कोन पे लेके गए, अ कोन कैविटी, अ कोनिकल कैविटी ऑफ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, इट इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर है, हाइट भी 12 सेंटीमीटर। नाउ इट्स क्वेश्चन विच इज रिकैप, दैट इज हमने जो पिछला किया था उसके एक रिकैप हो जाएगा, राइट मैम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल ऑब्जेक्ट विच इज एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसको ऑब्जेक्ट देखे, फिगर देखिए, ये पूरा सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द कोन दे आर इक्वल, बट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द कोन दे आर नॉट इक्वल, तो एक छोटा सा एक रीजन बचेगा। सो वेन यू टेक आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दैट इज वॉल्यूम, द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये तो डायरेक्ट अगेन अ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यू गेट द वैल्यू। But to find the cost of painting in and out, what you require is the rate and the total surface area of the remaining object. अब इसके remaining objects क्या क्या होंगे बताइए, इसके remaining object है lat, ये the curved surface area of the cylinder, ये जो surface है उसके cylinder का, base of the cylinder, curved surface area of the cylinder, base of the cylinder which is circular in shape, top, now अब top देखिए, what is this top, top happens to be the ring shape, देखिए जो टॉप है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, दैट इज आउटर सिलेंडर सर्कल माइनस द इनर सर्कल एंड देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो आपके पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन है फॉर कंप्यूटेशन, तो आप लोग बड़े आराम से इसको कैलकुलेट करिएगा क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, तो आपको देख के आराम से करना चाहिए। नाउ इसमें भी सारे इंफॉर्मेशन देख लीजिए, 13, 12, 5 दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसको यूज करके आपको कैलकुलेशंस करने हैं जी। तो मैम अब हम इस, बिकॉज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम इसे आगे तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हाँ आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स के थ्रू हमारे सभी बच्चों को फॉर्मूलाज और इक्वेशंस बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों को, सभी देखने वालों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच बीना मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू टू ऑल माई लर्नर्स, और थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द व्यूवर्स एज वेल। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज आप आगे कौन कौन से सेशंस हमारे साथ देख सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि 2:30 बजे यानी कि थोड़ी ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। 3 बजे का समय रहेगा 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के स्टूडेंट्स का, और टॉपिक रहने वाला है द ट्रीज। 2:30 बजे थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे अपना विशेष मनोदर्पण परिचर्चा का सत्र, जिसमें हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पर बात करते हैं। आज जो हम आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे वो है इनकल्केटिंग जेंडर सेंसिटिविटी बिगनिंग अर्ली, और 3:30 बजे का समय रहने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ये साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और 4 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, और आपको जैसे पता है कि 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है और आज इसका अंतिम दिन है। 5 बजे का समय है सहयोग सत्र का, और हमारा आज का शीर्षक रहने वाला है इफेक्टिवली हैंडलिंग पीयर प्रेशर इन स्कूल, और ये हमारे आज के सहयोग सत्र का सेशन है ना, टॉपिक है। और 5:30 बजे हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आएंगे जो है नीपा का, जिसमें हम बात करते हैं एक स्कूल हेड से,
और जानते हैं उनके स्कूल की जर्नी, किस तरह से उन्होंने अपने स्कूल के बेहतरी के लिए काम किया, सभी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को ओवरकम किया और अपने स्कूल को और बेहतर बनाया। तो ये सभी कार्यक्रम आप आज देख सकते हैं हमारे साथ। तो आपको बने रहना है पीएम ई विद्या पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। नमस्कार।